फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है और कल्टीवेशन करने के बाद किस तरीके से क्रूड ड्रग को कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं कलेक्शन के लिए, क्या क्या फैक्टर्स को, क्या क्या पॉइंट्स को हमको कंसिडर करना होता है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, ताकि हम उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्रूड ड्रग को कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, मींस उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द मार्केट, और उसका स्टोरेज किस तरीके से करते हैं क्रूड ड्रग का, उसकी ताकि उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन करने के बाद उसको प्रॉपर मेथड से उसको कलेक्ट करते हैं एट द प्रॉपर टाइम, एज और सीजन में उस क्रूड ड्रग को हार्वेस्ट किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड, और हार्वेस्टिंग के बाद उस क्रूड ड्रग को मार्केट में लाने से पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जाती है मीन्स उसको प्रिपेयर किया जाता है, कुछ ऐसे प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं ताकि हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकें और उसको मार्केट के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो किसी भी क्रूड ड्रग को प्रिपेयर क्यों किया जाता है, तो रीजंस ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो है टू स्टेबलाइज द क्रूड ड्रग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। मीन्स क्रूड ड्रग को जब हम स्टोर करके रखते हैं या उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी मतलब होता है वो जो क्रूड ड्रग है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टेबल करना, उसको मेंटेन करके रखना ताकि उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो स्टोरेज के टाइम पे और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर हम उस क्रूड ड्रग को अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी मीन्स उसकी क्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो मेंटेन रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है टू एंश्योर द एब्सेंस ऑफ फॉरेन मैटर एंड सब्स्टिट्यूट। मीन्स ये इंश्योर करने के लिए कि उस क्रूड ड्रग में कोई फॉरेन मैटर या सब्स्टिट्यूट तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए क्रूड ड्रग को प्रोसेसिंग की जाती है, उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द मार्केट। तो ये हो गए रीजंस ऑफ प्रिपरेशन मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्रूड ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द मार्केट। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर द मार्केट इज डिपेंड्स ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग। मीन्स किसी भी क्रूड ड्रग को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है मार्केट के लिए, तो उसके मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग ही उसमें प्रोसेसिंग की जाती है, मीन्स उसको प्रिपेयर किया जाता है। किसी भी क्रूड ड्रग के कलेक्शन करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप करते हैं हम प्रोसेसिंग का वो है ड्राइंग। मीन्स उस क्रूड ड्रग को ड्राई किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फॉर इट्स फॉर द लॉन्गर टाइम। मीन्स उस क्रूड ड्रग को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई किया जाता है। किसी भी क्रूड ड्रग को हम ड्राई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मीन्स उस क्रूड ड्रग में कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको ड्राई किया जाता है, और वो जो क्रूड ड्रग है कौन से सोर्स से ऑप्टेन हो रहा है, कौन से सोर्स से ऑप्टेन हो रहा है, मीन्स वो एनिमल सोर्स से ऑप्टेन हो रहा है या प्लांट सोर्स से ऑप्टेन हो, उसके अकॉर्डिंग भी मेथड ऑफ ड्राइंग को यूज किया जाता है। तो किसी भी क्रूड ड्रग को कलेक्ट करने के बाद मीन्स मेडिसिनल प्लांट जिसके स्पेसिफिक पार्ट को यूज किया जाता है ऐसा क्रूड ड्रग, उसको फील्ड से कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले उसकी ड्राइंग की जाती है। अगर वो क्रूड ड्रग जो है रूट्स और राइजोम्स हैं, तो उस रूट्स और राइजोम्स में जो अर्थी मैटर होते हैं जैसे सॉइल्स हो गए, डर्ट हो गए, ये सारी चीज़ों को पहले सबसे पहले वॉश किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके बाद रूट्स और राइजोम्स को ड्राई किया जाता है। किसी भी क्रूड ड्रग को हम प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं ताकि हम उसके अंदर जो एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव कर सकें, क्योंकि अगर किसी भी क्रूड ड्रग में अगर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा तो उसमें माइक्रोबियल अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी कारण से हम किसी भी क्रूड ड्रग को प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं ताकि हम उस क्रूड ड्रग को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा रीजन होता है ड्राइंग का टू इनहिबिट द एंजाइमेटिक रिएक्शन। मीन्स उस क्रूड ड्रग के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है उसको भी इनहिबिट करने के लिए हम क्रूड ड्रग को ड्राई करते हैं, क्योंकि इस एंजाइमेटिक रिएक्शन से उस क्रूड ड्रग में प्रेजेंट जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिकम्पोज हो सकता है, जिससे उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसी कारण से हम उस क्रूड ड्रग को प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और ड्राइंग से हम उस क्रूड ड्रग को अच्छे से उसको प्योराइज कर सकते हैं, उसको ग्राइंड कर सकते हैं, मीन्स उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो क्रूड ड्रग है उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मीन्स उसमें प्रेजेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्राई किया जाता है। तो ड्राइंग जो है दो तरीके से किया जाता है, पहला जो होता है वो है नेचुरल ड्राइंग होता है, और दूसरा कहता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में आता है मीन्स नेचुरल ड्राइंग के दो टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है सन ड्राइंग और दूसरा होता है शेड ड्राइंग। सन ड्राइंग में हम उस क्रूड ड्रग को डायरेक्टली सनलाइट में ड्राई करते हैं, और हम ऐसे क्रूड ड्रग को डायरेक्ट सनलाइट में उसको ड्राई करते हैं जो कि स्टेबल होता है एट द डायरेक्ट सनलाइट। मीन्स उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो स्टेबल होता है
by the temperature of direct sunlight. तो उस ऐसे ड्रग को हम direct sunlight में dry करते हैं, जैसे कि gum, acacia, fruits, roots और rhizomes, इन सब को direct sunlight में dry किया जाता है. उसके बाद next आते हैं shed drying. Shed drying हम generally उन crude drugs के लिए करते हैं जिसमें volatile oil containing drugs होते हैं, जैसे कि leaves हो गए या flowers हो गए जिसके अंदर volatile oil present होता है, और ये volatile oil जो है direct sunlight की वजह से evaporate हो सकता है. इसलिए उस crude drug के quality में उसके volatile oil content को maintain करने के लिए हम उस crude drug को means volatile oil containing crude drug जैसे कि leaves हो गए, flower हो गए, peppermint हो गए, इसको हम shed drying करते हैं. और कुछ कुछ crude drug उसके color को maintain करने के लिए, जैसे कि leaves of senna, digitalis, उनकी green color को maintain करने के लिए भी उसको shed drying किया जाता है. तो ये हो गया natural drying के types. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल ड्राइंग. आर्टिफिशियल ड्राइंग या तो ट्रे ड्रायर होता है, वैक्यूम ड्रायर होता है, या स्प्रे ड्राइंग होते हैं. तो सबसे पहले है ट्रे ड्रायर. ट्रे ड्रायर मतलब ओवन. ओवन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उस क्रूड ड्रग को ड्राई किया जाता है, मीन्स हॉट एयर पास किया जाता है, जिससे उस क्रूड ड्रग में जो प्रेजेंट एक्सेस मॉइस्चर है वो रिमूव होता है. और ट्रे ड्रायर हम जनरली उन क्रूड ड्रग के लिए यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता है, मीन्स वो हाई टेम्परेचर में वो स्टेबल होता है. ऐसे क्रूड ड्रग को हम ड्राई करने के लिए हम ट्रे ड्रायर यूज़ करते हैं, जैसे कि बेलोबेला के रूट हो गए, टी लीव्स हो गए, सिंकोरा का बार्क हो गया, इसको हम ट्रे ड्रायर में ड्राई करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वैक्यूम ड्रायर. वैक्यूम ड्रायर हम जनरली उन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि डिजिटली सीव्स. उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रायर होता है वो है स्प्रे ड्रायर. स्प्रे ड्राइंग हम जनरली उन ड्रग्स के लिए करते हैं जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन से, टेम्परेचर से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. तो इन ड्रग्स के उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसको स्प्रे ड्राइंग करते हैं, जैसे कि पैक्टिन हो गया, पपेन हो गया. पपेन में पाया का जो लेटेक्स होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, टू द टेम्परेचर. तो इसको हम स्प्रे ड्राइंग से ड्राई करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे. ये हो गया डिफरेंट मैथड्स ऑफ ड्राइंग. ड्राइंग के बाद मीन्स किसी भी क्रूड ड्रग को ड्राई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप किया जाता है प्रोसेसिंग का वो है गैबलिंग. गैबलिंग मतलब होता है उस क्रूड ड्रग में जो प्रेजेंट जो डर्ट होता है या सैंड होता है या कोई अदर वेजिटेटिव डेब्रिस होता है या फॉरेन ऑर्गेनिक जो मैटर हो गया या अदर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट है, तो उसको रिमूव किया जाता है बाय अप्लाइंग डिफरेंट मैथड्स एंड मीन्स. तो उस प्रोसेस को हम गैबलिंग कहते हैं, जैसे कि अकेशिया. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है अकेशिया में जो पीसेस ऑफ बार्क है उसको रिमूव किया जाता है बाय द पीलिंग मैथड. सेना के लीव्स और विंका के लीव्स में को शिफ्टिंग मैथड से उसमें जो अदर वेजिटेटिव मैटर उसको रिमूव किया जाता है. और उसके बाद जैसे क्लोव, क्लोव में जो प्रेजेंट स्टॉक होते हैं उसको रिमूव किया जाता है. जैसे लीव्स ऑफ सेना है, स्ट्रमोनियम है, उसके अंदर जो एक्सेसिव स्टेम प्रेजेंट होता है उसको रिमूव किया जाता है. तो गैबलिंग में हम जितने भी एक्सट्रेनियस मैटर होते हैं, डस्ट, सैंड, वेजिटेटिव मैटर, उसको डिफरेंट डिफरेंट मैथड से रिमूव किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे, वो क्रूड ड्रग जो है प्योर रहे. गैबलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग का वो है पैकेजिंग. मीन्स उस क्रूड ड्रग को पैक किया जाता है प्रॉपर तरीके से ताकि उसकी जो क्वालिटी जो है मेंटेन रहे. मीन्स उस क्रूड ड्रग को स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको इस तरीके से पैकिंग की जाती है उसको, ताकि उसकी जो क्वालिटी है, मीन्स उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, वो सब उसकी मेंटेन रहे, स्टेबल रहे. तो पैकिंग के टाइम पे हमको किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग. मीन्स उस क्रूड ड्रग के केमिकल नेचर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है उसको पैकिंग की जाती है. उसके बाद स्टोरेज एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से उसको स्टोर करना है, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उस क्रूड ड्रग को पैक किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है. और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग जो है उस क्रूड ड्रग का पैकिंग हैं, और अल्टीमेट यूज ऑफ द क्रूड ड्रग फॉर द मैन्युफैक्चरर, मीन्स उस क्रूड ड्रग का क्या अल्टीमेट यूज है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उस क्रूड ड्रग का पैकिंग करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि सेना, विंका के लीव्स. सेना और विंका के लीव्स हैं, उसको प्रेस्ड एंड बेल करके उसकी पैकिंग की जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल है कॉड लीवर ऑयल. कॉड लीवर ऑयल को हम ऐसे कंटेनर में पैक करते हैं जो कि नॉट अफेक्टेड बाय द सनलाइट, क्योंकि कॉड लीवर ऑयल जो है लाइट सेंसिटिव होता है, मीन्स जो डायरेक्ट सनलाइट होता है उससे सेंसिटिव होता है. मीन्स अगर उस कॉड लीवर ऑयल में डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या जो केमिकल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है. इसी कारण से हमको कॉड लीवर ऑयल को डार्क में स्टोर करना होता है, ऐसे कंटेनर में स्टोर करना होता है जो कि डार्क हो, मीन्स वो सनलाइट से अफेक्टेड ना हो. इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है रूट्स एंड सीड्स. रूट्स और सीड्स को हम स्टोर करते हैं द गनी बैग्स इंटरनली कोटेड विद द पॉलीथीन. वैसे ही और भी दूसरे एग्जांपल जैसे कोलोफोनिया बैल्सम ऑफ टोली को हम
स्टोर करते हैं इन द एयर टाइट कंटेनर में, मींस उसको कैरोसिन टीन में उसको पैक किया जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे कि डिजिटलीज का लीफ जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, मींस डिजिटलीज के लीफ में अगर एक्सेसिव मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है डिकम्पोज जाता है, जिससे उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसी कारण से हमको डिजिटलीज के लीफ को ऐसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है, मींस उसको मॉइस्चर से प्रिवेंट करना होता है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये हो गया पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग के बाद नेक्स्ट है स्टेप है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रूड ड्रग। हम किस तरीके से क्रूड ड्रग को स्टोर करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, वो डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मीन्स उस क्रूड ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, मीन्स उसमें जो प्रेजेंट एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्रूड ड्रग को स्टोर करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं डिजिटलीज एंड एल्गुड। जैसे कि हमने आपको बताया था डिजिटलीज जो है मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, एक्सेसिव अमाउंट के मॉइस्चर जो है डिजिटलीज की लीफ की क्वालिटी को खराब कर सकता है। इसी कारण से हम डिजिटलीज को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे कंटेनर में डिजिटलीज की लीफ को स्टोर किया जाता है जो कि मॉइस्चर प्रूफ हो, मीन्स डिजिटलीज के कंटेनर में डेसिकेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। डेसिकेंट्स मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि डिजिटलीज लीव्स में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करें। और वैसे ही एल्गुड जो होता है वो भी मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, इसी कारण से उसको भी हमको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, तो जितने भी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं उनको प्रॉपर वेल क्लोज्ड कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में उसको रखा जाता है, डार्क कलर कंटेनर और कूल प्लेस में उसको रखा जाता है ताकि वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेट ना हो। तो इस तरीके से क्रूड ड्रग के फिजिकल एंड केमिकल नेचर में केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है उस क्रूड ड्रग को स्टोर करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो क्रूड ड्रग के स्टोरेज के लिए हम जनरली जो है एयर टाइट कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर यूज करते हैं, लाइट प्रूफ हो, मॉइस्चर प्रूफ हो या फायर प्रूफ हो, तो इस तरीके के कंटेनर में हम क्रूड ड्रग को स्टोर किया जाता है ताकि उस क्रूड ड्रग के अंदर जो प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मीन उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी मेंटेन रहे। उस क्रूड ड्रग को प्रॉपर कंटेनर, प्रॉपर पैकेजिंग और प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर करने के साथ साथ उस क्रूड ड्रग को हम प्रिजर्व करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट और माउथ अटैक से। उस क्रूड ड्रग को इस तरीके से स्टोर किया जाता है, इस तरीके से उसको पैक किया जाता है ताकि उसमें इंसेक्ट का अटैक ना हो, कोई माउथ का अटैक ना हो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये आज हमने पढ़ लिया प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग, मैं इस क्रूड ड्रग को किस तरीके से मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर द कलेक्शन, किस तरीके से उसको स्टोर किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग। और अल्टीमेटली प्रॉपर तरीके से हम किसी भी क्रूड ड्रग का प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी स्टोरेज उसकी ड्राई की जाती है ताकि उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी को हम मेंटेन करके रख सकें। Thank you very much for watching this video. Next video में हम आपको बताएंगे different factors affecting the cultivation of crude drug. Thank you.